मेरी जिंदगी के अंदर सुख हो मेरी जिंदगी के अंदर आनंद हो ये मनुष्य के अंदर हमेशा इसको चिंता लगी रहती है कि ये किस प्रकार से मेरी जिंदगी के अंदर सही तरीके से आनंद बना रहे हैं। और मनुष्य जो कुछ भी करता है जो कुछ भी करता है वो उस प्यास को बुझाने की कोशिश में करता है ताकि उसकी प्यास बुझ सके अब लोगों के पास अपने अपने तर्क हैं लोग कहते हैं नहीं ये तो हमको करना ही चाहिए हमको ये भी करना चाहिए हमको ये भी करना चाहिए हमको ये भी ये भी हमारी जिम्मेवारी है परिवार भी हमारी जिम्मेवारी है नौकरी भी हमारी जिम्मेवारी है ये भी सारी हमारी जिम्मेवारी हैं मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि मनुष्य होने के नाते हमारी क्या जिम्मेवारी पिता होने के नाते क्या जिम्मेवार है मेरी क्या जिम्मेवारी है इसके बारे में मैं सुनाने के लिए नहीं आया हूं मैं तो सिर्फ उस चीज की चर्चा करने के लिए आया हूं कि जो मनुष्य होने के नाते हमारी जिम्मेवारी क्या नाता है हमारा क्या नाता है हमारा इस जीवन के साथ दुनिया के साथ जो नाता है इसका तो हमको पता है पर क्या नाता है हमारा इस श्वास के साथ क्या नाता है हमारा इस जीवन के साथ जो हमको बड़ी कृपा से मिला है क्या नाता है हमारा उस आनंद के साथ क्या नाता है हमारा उस चीज के साथ जो सब जगह होने से भी हमारे अंदर भी विराजमान है क्या नाता है हमारा क्या समझाएं आपने हमने अपने जीवन में एक भजन है कबीर दास जी का कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रहे मैं कहता आखन देखी मैं कहता आखन देखी तू कहता कागज की लेखी जो बात सब का जिसका रहस्य तब पता लगेगा जब मनुष्य को उस चीज का अनुभव हो क्यों कि अगर किसी को प्यास लगी हुई है और उसको यह सिखाया जाए कि भाई तू ये मंत्र पढ़ वो तो ठीक है कोई बात नहीं मंत्र पढ़ने में भी कोई खराबी नहीं है मंत्र रखने में भी कोई खराबी नहीं पर सबसे पहले उसको क्या चाहिए सबसे पहले उसको चाहिए पानी पानी मिल जाए प्यास उसकी बुझ जाए उसके बाद जो कुछ भी उसको करना है कोई बात नहीं आप ये समझिए एक आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और कुर्सी पर लगी हुई है आग और नीचे से आग लग रही है और धीरे धीरे ऊपर आ रही है और वो कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ जितने भी आदमी है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कोई कोई बात कर रहा है कोई कोई बात कर रहा है कोई मंत्र पढ़ा रहा है उसको कोई ये सिखा रहा है कि तू तेरे को ऐसा करना चाहिए तो तो पिछले जन्म में तेरा ये था अगले जन्म में तेरा ये होगा और ये सारी बात है उसको सिखाया उसी कुर्सी पे आग लगी हुई है और वो कुर्सी पे बैठा हुआ है और उसको लोग उठने ही नहीं दे रहे हैं उठने की वो कोशिश भी करता है अगर तो उसको लोग उठने ही नहीं दे रहे तो लड़का आता है बेटा आता है उसका उससे पूछता है कि पिताजी आप मेरे लिए क्या लाए बीबी बोलती है आप खाने के लिए तैयार हैं खाना बन गया है तो ये कोई नहीं कर रहा है उसके लिए कि एक बाल्टी पानी कुर्सी पे डाल दे कोई और वो आग बुझ जाए उसके बाद चाहे हजार प्रश्न पूछो उससे खाने के बारे में पूछो उठने के बारे में पूछो क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछो अगले जन्म के बारे में पूछो पिछले जन्म के बारे में पूछो जो कुछ भी पूछना पूछो कम से कम आग तो बुझ जानी चाहिए यही बात मैं भी समझाता हूं कि तुमने अपने जीवन के अंदर किस प्यास को महसूस किया है क्या तुमने अपने जीवन के अंदर ऐसे आनंद की कमी नहीं पाई कैसे आनंद की जो आनंद पहले से ही हमारे अंदर विराजमान है ऐसा आनंद होना चाहिए ऐसा वैसा आनंद नहीं ऐसा आनंद होना चाहिए जो पहले से ही हमारे अंदर हो मनुष्य को जिस पानी की प्यास लगी है उस पानी का कुआं भी मनुष्य के अंदर ही है बाहर नहीं और मनुष्य हमेशा बाहर की तरफ जाता है वो समझता है कि बाहर कुछ करने से मेरे अंदर की प्यास बुझ जाएगी अब सबको मालूम है सबको मालूम है संसार के अंदर ऐसा कोई नहीं मिला मेरे को जिसको यह ना मालूम हो कि जिस भगवान की तलाश है मनुष्य को वो उसके अंदर है परंतु ऐसा भी कोई नहीं मिला मेरे को जो ऐसे करके कहे कि जिस जिसकी तलाश है वो मेरे अंदर नहीं सब उंगली ऊपर करते हैं जो चीज समझ में नहीं आती है उसको हम अपने जगह से निकाल करके ऐसी जगह रख देते हैं जहां फिर वो मुश्किल से मिले जो चीज नजदीक है उसको हम दूर कर देते हैं क्यों कि जिस चीज की हमको सचमुच में तलाश है वो हमारे अंदर जिस जिस कृपा की तुमको जरूरत है सारी की सारी ही कृपा तुम्हारे पास पर तुमने कभी उनको खोल के देखा नहीं कभी प्राप्त करके अपने जीवन में देखा नहीं और जब देखा ही नहीं तो क्या मालूम क्या क्या कृपा नहीं मिली जो ये श्वास तुम्हारे अंदर आता जाता है क्या ये कृपा नहीं है क्या ये कृपा नहीं है और कितनी बार ये कृपा हुई है कभी गिना कितनी बार श्वास लिया इस जीवन में? और हर समय जब ये आता है तो ये कृपा है परंतु इस कृपा को कभी प्राप्त करके नहीं देखा कभी स्वीकार करके नहीं देखा तो आती है और चले जाती फिर आती है फिर चले जाती जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है सदियों से दरवाजा खटखटा रहा है खोल इस दरवाजे को खोल जो ये अंदर का दरवाजा है इसको खोल और जिस चीज को तेरे को जरूरत है उसको तू साक्षात रूप में पा साक्षात रूप में पा और जब तक ये होगा नहीं तब तक प्रश्न प्रश्न रहेंगे क्योंकि लोग समझते हैं ना कि जितने हमारे पास ज्यादा प्रश्न होंगे जितने हमारे पास ज्यादा प्रश्न होंगे उतने ही हमारे पास ज्यादा उत्तर भी होंगे ये 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 नहीं है ऐसा नहीं होता है प्रश्न इसलिए है क्योंकि जो चीज समझ में आ रही थी वो समझ में नहीं आई मनुष्य पूछता है लोग पूछते हैं मेरे से पूछते हैं कि जी हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है क्यों पूछ रहा है मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है इसलिए पूछ रहा और कब मालूम होगा जिस दिन उसको ये इस बात का अनुभव हो जाएगा जब अनुभव हो जाता है तो सारे के सारे प्रश्न गाय उस दिन प्रश्न नहीं रहते उस दिन तो उत्तरों का जवाबों का भंडार मिल जाता है आनंद का भंडार मिल जाता है फिर उसके पास प्रश्नों के लिए समय नहीं है उसके लिए तो सिर्फ उस आनंद को अनुभव करने के लिए समय बचता है क्यों इसी वजह से मनुष्य कल की चिंता करता है कल क्या होगा कल क्या होगा वही होगा जो होना है और अगर इस हृदय की प्यास नहीं बुझाया इस किसी वजह से अगर इस हृदय की प्यास को नहीं बुझा सके तो कल क्या होगा वही होगा जो आज हुआ क्या हुआ आज फिर वही आशीर्वाद आया उसने दरवाजा खटखटाया तुमने खोला नहीं और फिर वो आशीर्वाद चला वही होगा और कब तक होगा जब तक वो दरवाजा खोलेगा नहीं तब तक वही होगा ना कोई, संगे, ना कोई sange na koi sa लग जाते हैं गुरु जो जिसको मालूम है उसके क्या लक्षण होते है? क्या लक्षण होते है? जब जब भी वो व्यक्ति जो समझा सके आया इसी बात पे लोग रह गए मोमबत्ती के क्या लक्षण होने चाहिए मोमबत्ती है या नहीं है इसके क्या लक्षण होने चाहिए माचिस लो जलाओ अगर वो जले रोशनी दे तो वो मोमबत्ती है और नहीं दे तो वो मोमबत्ती नहीं सूरज के क्या लक्षण होने चाहिए प्रकाश दे प्रकाश दे तो वो सूरज है जो प्रकाश नहीं देगा वो सूरज नहीं पानी के क्या लक्षण होने चाहिए जो प्यास को बुझा सके वो असली पानी है जो प्यास को ना बुझा सके वो असली पानी है सरल बात जो मेरे जीवन में उस ताले को खोलने के लिए चाबी मुझे दे ध्यान रहे ताला नहीं खोलना है जो चाबी प्रदान कर सके नहीं है कि दरवाजा खोल के धक्का मारे नहीं सिर्फ चाबी प्रदान कर यह है और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो खोलो इससे दरवाजा तुम्हारा खुलेगा इससे ताला तुम्हारा खुलेगा और जो मुझे वो चाबी दे सके जिससे कि वो ताला खुल जाए और मैं दरवाजा खोल सकू वो है वो है जिसकी मेरे को तलाश दे और यही कसौटी और कोई कसौटी नहीं है यही कसौटी है जिससे मालूम पड़ेगा कि वो कौन है जो मेरे अंदर तक की बात जो मेरे से मेरा ही परिचय करवा दे तो दुनिया भर के परिचय करवाने वाले तो लोग हैं ना इनसे मिलिए इनसे मिलिए इनसे मिलिए इनसे मिलिए इनसे मिलिए और एक है इन सब में से इन परिचय कराने वालों से एक है जो क्या कहता है आओ मैं तुम्हारा परिचय तुम्हीं से कराता हूं दुनिया में तो यही ना ये तेरा बेटा है ये तेरा बाप है ये तेरी बीवी है ये तेरा भाई है ये तेरा चाचा है परंतु ये कौन है जो कहता है तू कौन है आ तो इससे मिल तो इससे मिल किससे मिल जो तू है। उससे मिल जो तेरे में बसा हुआ है घट घट मोरा साइ सुनी सहज न कोई बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट यहां मैं यह समझाने के लिए नहीं आया कि तुम्हारे अंदर वो बैठा हुआ वो जो तुमको पहले ही मालूम होना चाहिए पर बलिहारे किस घट की है जिसके घट में वो चीज प्रकट हो गई जब उसको रियलाइज किया रियलाइज रियलाइज नहीं किया तो आए कैसे आए आए थे समझाएंगे राजा रंग जाना सबने रहना नहीं देश विराना है सारा का सारा देशाना सारा का सारा अपना क्या है तो अपना क्या है अपना था वो सांस जो आया और चले आया और फिर वो था अपना वो था मेरा और अगर कोई मेरे को विधि बता दे कि मैं उसको आए और जाए और जो मेरे लिए लाया था मैं उसको उसमें से निचोड़ पाऊं हर एक श्वास से निचोड़ पाऊ और अगर मेरे को यह विधि मालूम हो तो मैं तो माला माला फिर मेरे को यहां भी मैं हूं क्यों कि लोग बने हुए हैं इसमें व्यस्त है इस बात में कि किसी ना किसी प्रकार से तूफानी ना आए इस जिंदगी के अंदर तूफान आते हैं लोग व्यस्त हैं ऐसी मशीन बनाने में कि इस जिंदगी के अंदर तूफान ही ना आए महाराज तो कहते हैं क्या तूफान आएगा इसकी तो चिंता मगर तूफान आएगा पर मैं तेरे को एक ऐसी जगह बताता हूं जहां तू अपनी नौका को बांध देना तो तूफान आएगा और चला जाएगा और तू बच जाएगा शुभ से बच जाएगा क्या है अशुभ जिस दिन मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है मेरे लिए तो वो दिन अशुभ है जिस दिन मेरे अंदर जो चीज है जिसको मैं नहीं पहचानता हूं उस दिन का पूरा होना ही मेरे लिए अशुभ इतना सब कुछ मेरे को मिला और मेरे हाथ से निकल गया इससे अशुभ क्या हो सकता है और जिस दिन मैंने एक श्वास को भी बचा लिया वो दिन मेरे लिए शुभ हो गया इससे शुभ मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता जो बिजनेस करते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है ये अगर कोई ग्राहक आया और अच्छा मालदार ग्राहक था खूब 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 लेने वाला था सामान और वह हाथ से निकल गया तो अशुभ बात हुई यही तो मैं कह रहा हूं यही तो मैं कह रहा हूं क्योंकि ये ये जो श्वास आती है अंदर इससे मालदार और कोई हो ही नहीं सकता इतनी इतनी मालदार है इतनी मालदार है इसकी कीमत ही नहीं है कीमत ही चाहे सारा संसार का पैसा हो इससे एक श्वास भी मनुष्य नहीं खरीद सकता और जिस दिन ये जाने लगता है उस दिन सिर्फ एक बात याद आती एक और आ जाए एक और आ जाए मनुष्य के जीवन में ये सब कुछ होने की जरूरत नहीं मनुष्य समझ सकता है यह शक्ति समझने की मनुष्य को बनाने वाले ने हर एक मनुष्य को दी है परंतु सारी चीजों को मनुष्य इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है उस भजन में यही कहा है ना कि मैं कहता सर हारी तू रखियो क्यों उर्झाई रहे तेरा मेरा मनवा कैसे एक तो है। सरल रख क्योंकि ये सरल है जीवन मिला किसी ने मांगा नहीं ये मिला किसी ने बटन नहीं दबाया ये मिला और इससे बड़ा उपहार मनुष्य को मिल नहीं सकता इससे बड़ा चमत्कार मनुष्य के लिए कुछ है नहीं मनुष्य समझता है ना कि अगर पत्थर में से दूध निकल जाए तो यह चमत्कार है ये चमत्कार नहीं है चमत्कार है तुम्हारा जीवन चमत्कार है इस श्वास का आना जाना चमत्कार है ये जो तुमको मनुष्य शरीर मिला हुआ ये चमत्कार है और जो हर दिन आता है ये चमत्कार है ये है चमत्कार इसी चीज को समझाने के लिए संत महात्माओं ने यही बात कही है कि तुम अपने ओर देखो अपनी तरफ देखो जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर लोग भक्ति करना चाहते हैं भक्त बनना चाहते हैं और कई लोग हैं जो भक्त नहीं बनना चाहते ना हमको भक्ति वक्ति की कोई जरूरत नहीं भक्त तो तुम बनोगे पर अगर भक्त बनना ही है तो ऐसे भक्त बनो ऐसी चीज के भक्त बनो कि उस भक्ति में ऐसा आनंद आए भक्ति में आनंद भक्ति और आनंद ये दोनों एक ही है क्योंकि भक्ति क्यों करो क्योंकि आनंद मिलेगा आनंद मिलेगा। कैसा आनंद मिलेगा वैसा आनंद मिलेगा जो हमारे अंदर है और जिस दिन मनुष्य उस असली भक्त बनेगा असली औरों को सिखाया हुआ नहीं औरों का सिखाया हुआ नहीं औरों ने जो रट लगा रखी है ना इस जीवन के अंदर ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए ये सारे मनुष्य अपने आप धारण करने लगता है और फिर इन्हीं चीजों को सत्य समझने लगता है सत्य ये नहीं है सत्य तो उस दिन भी था तुम्हारे साथ जब तुम छोटे से बच्चे थे और तुम्हारे अंदर सिर्फ एक चीज की ख्वाहिश थी और वो क्या थी कि मेरे जीवन में वो शांति बनी रहे मेरे जीवन में वो आनंद बना रहे उस समय तुम्हारे पास ये बड़े बड़े शब्द शांति और आनंद तुमको मालूम नहीं थे कि ये क्या होते हैं तुम्हारे पास सिर्फ एक बात थी जब तुम थे उस शांति में जब थे उस आनंद के अंदर तो चुपचाप और जब नहीं थे तो आए हृदय में प्यास थी और लगन और आना, आना। के बाद धीरे 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 दुनिया ने पकड़ा ऐसा होना चाहिए यह ऐसा होना चाहिए यह ऐसा होना चाहिए ऐसा हो रहा थी मां ने कहा तू रो मत चुप हो जा यही तो कहती है माँ चुप हो जा मत रो चुप हो जा और ज्यादा रोता है बच्चा तो कहती है ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगी कि फिर रोएगा असली में रोएगा रो मत मनुष्य ने कहा ठीक है मैं मैं भी रोना छोड़ देता और चुप प्यास लगे चुप रहना सीख लिया, चुप रहने में माहिर बन गए और प्यास वैसे वैसी दुनिया ने कहा खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे तुमने भी रट पकड़ ली खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ आए थे मेरी बात सुनो। खाली हाथ आए जरूर थे खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं खाली हाथ आए जरूरत खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं एक चीज तुम अपने साथ ले जा सकते हो और वो है आनंद। इसको लेके जाओ सोया बड़ी गलतफहमी अगर यह सब कुछ चाहिए शांति चाहिए असली शांति चाहिए तो सारी दुनिया को छोड़ना पड़ेगा यह सब करने की जरूरत नहीं मैं कहता हारी तू हारिय तू क्यों जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं ना तो हम अपना रुख ही बदल लेते हैं अब कहते हैं कि अजी अब तो इस जमाने के अंदर हम हम लोगों के पास कंप्यूटर हो गए देखिए ठीक है कंप्यूटर हो गए परंतु जब वह कंप्यूटर क्रैश होता है और उससे जो दुख होता है वो नया नहीं है वो वही पुराना दुख है जो सदियों से चले आ रहा अरे चाहे कुछ भी हो इस दुनिया के अंदर जिस चीज को हम महसूस करते हैं वो तो वही है जिसे हम सुख कहते हैं वो नहीं बदला हम समझते हैं सुख हमको जो हमने नए नए आविष्कार किए उनसे आएगा है? अब हवाई जहाज भी कोई आदमी बैठा हो और पायलट कहेगी हम तो क्रैश होने जा रहे हैं उसका दिल जो धक 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 करेगा वो उसी प्रकार धक 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 करेगा जो एक हजार पहले साल पहले जो जिस आदमी को कहा जाए कि तेरा क्या कहते हैं तेरी गर्दन काटी जाएगी उसका दिल जैसे धक 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 कर रहा था उस समय उसका भी दिल वैसे ही करेगा क्योंकि वो डर नहीं बदला है सुख नहीं बदला है दुख नहीं बदला है मनुष्य के लिए वो सब वैसे के और जिस चीज को जिस चीज़ की तलाश मनुष्य को दस हजार साल पहले थी उसी चीज की तलाश आज भी मनुष्य को है और वो तलाश टेक्नोलॉजी से पूरी नहीं होगी वो तलाश तब पूरी होगी जब मनुष्य अपने अंदर तक जा जो कुछ भी है जितनी भी हमारी जिम्मेवार हैं बाहर की जिम्मेवार हैं और जो हमारी अपनी निजी जिम्मेवारी है वो हमारी अपनी दुनिया से तो परिचय हो गया कोई ऐसा मिले जो हमारे से परिचय करा दे हमारे हम से हमसे अपना परिचय करा, जो मुझे एक ऐसा दर्पण दे एक ऐसा आईना दे जिसमें मैं अपना चेहरा देख सकूं अपना यह चेहरा नहीं अपना अंदर का जो मेरा असली चेहरा ये तो बदलता रहेगा इसका तो काम है बदलना ये तो बदलता रहेगा मनुष्य जी के पीछे लगता है कि ये ना बदले यही समझता है कि अगर ये नहीं बदलेगा तो मैं हमेशा जवान रहूंगा मैं अगर हमेशा जवान रहूंगा तो मैं कभी मरूंगा नहीं आए थे समझाएंगे राजा रंग फकी उसमें सब आ गए राजा से रंग बीच में कहीं आप हैं और अगर सब कुछ त्याग दिया तो फकीर को भी उसमें ले आए तो सब आ, सब आ गए राजा से लेके फकीर जाना सब बात जाने की नहीं है बात है आए क्यों थे आए क्यों थे और जो आए हुए हैं हमारे आने से हमारे लिए क्या संवाद है क्या हम अपने जो हमारे अंदर विराजमान है उस साईं को समझ सकते हैं मेरे अंदर है मेरा भगवान मेरे अंदर है मेरा साईं मेरे अंदर है मेरा कुआं मेरे अंदर मेरे अंदर वैसे तुम्हारे अंदर वैसे मेरे अंदर है मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर सारे ऐसे उत्तर हैं मेरे पास मेरे अंदर जिनका कोई प्रश्न ही नहीं है पर वो उत्तर मेरे पास है। और मैं भी उस उत्तरों के समुद्र में छलांग लगाऊं और नहाऊं और अपने आप को स्वच्छ करूं और ये जो भ्रम का मैल है ये दूर। ताकि मैं भी उस तरह चमकने लगूं जैसे मेरे को जिस बनाने वाले ने मेरे को बनाया है जैसा जिसने जैसे बनाया है वो चमक मेरे में फिर आ जाए अंधेरे में फिर मेरे को भटकना ना पड़े मेरे पास दिया हो जाए जब बारिश हो तो मेरे पास ऐसा ज्ञान का छाता हो जाए कि मैं उस छाते को खोलूं बारिश को तो नहीं रोक सकता परंतु कम से कम मेरे को उस बारिश से भीगना ना पड़े ये ये संभव यह संभव इस जीवन के अंदर संभव और ये अगर आपको यह बात पसंद हो तो हम कहते हैं कि देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर शांति होनी चाहिए सबसे बड़ी बात तो यह सबसे बड़ी बात खोजो ढूंढो जहां मिले बढ़िया बात बढ़िया बात न मिले तो मैं हूं इस प्यास को बुझाना इस प्याले में आनंद रूपी दान जरूर डालना क्योंकि अगर आनंद रूपी दान डालोगे तो यह तुम्हारे पास हमेशा रहेगा हमेशा रहेगा और इसको तुम अपने साथ ले जा सकते अपने साथ ले जा लोग कहते हैं आपको कैसे मालूम मैंने देखा है अपनी जिंदगी के अंदर मैंने देखा है अपनी जिंदगी के अंदर लोगों के जीवन के अंदर मैंने शांति देखी है असली शांति देखी है शब्दों की शांति नहीं असली शांति देखी है और ऐसा दावा करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे असली शांति देखी है शब्दों की शांति नहीं मैं किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कहता लोग आते हैं मेरे पास कहते हैं कि जी हमको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा नहीं जिस चीज में तुम्हारा विश्वास है कोई बात नहीं विश्वास रखो परंतु तो मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूं बात प्रत्यक्ष अनुभव की ये अंतर है विश्वास जिसमें रखना रखो वो तो विश्वास है पर अनुभव की बात भी तो होनी चाहिए और जब तक अनुभव की बात नहीं लोग तो कहते हैं ना कि हाँ ये, 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 ये तो सब क्या कहते हैं इस संसार के अंदर आए हुए हैं और अच्छा काम करना चाहिए और अच्छा काम करेंगे उसके बाद जब हम मरेंगे तब तो जाके स्वर्ग जाएंगे और जब स्वर्ग जाएंगे तो हमको लड्डू मिलेंगे अरे स्वर्ग चाहिए तो जीते जागते स्वर्ग में जाओ और वो स्वर्ग यहाँ है ये देखिए अगर एक आदमी के पास एक ताला है उस ताले की है एक चाबी वो चाबी जो उस ताले की चाबी है और अगर वो दस हजार चाबियों से खोलने की कोशिश करे उस ताले को ताला तो खुलना नहीं अब वो ये जरूर कह सकता है कि ये ताला खराब है हजार से कोशिश की खुल जाना चाहिए नहीं खुला या फिर वो अपने जीवन में ये भी दावा कर सकता है कि इस ताले की कोई चाबी नहीं है पर ये तो वही वाली बात हो गई ना कि जब लोमड़ी उधर अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो उसने क्या कहा कि खट्टे हैं अंगूर खट्टे हैं चाबी है जिस सुख की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है अगर नहीं भी जाना उसको तब भी वो तुम्हारे अंदर रहेगा और जान जाओगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद ही आनंद रहेगा हर एक मनुष्य के ऊपर ये निर्भर है और अच्छी बात है कि मनुष्य के ऊपर निर्भर है किसी के साथ जबरदस्ती नहीं प्यास है प्यास को महसूस करो और अगर प्यास महसूस हुई तो मनुष्य अपने जीवन में उस चीज को सच्चा बना सकता है।